लोकसभा चुनाव का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। राजनीतिक जोड़ तोड़ और पार्टियां बदलने का दौर भी ऐसे समय में अपना खूब रंग दिखाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों दिखा जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह जीपी, राजकुमार चब्बेवाल, हरियाणा कांग्रेस से नवीन जिंदल और अब लुधियाना के सांसद व पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस की जड़ों को हिला रहा है। ऐसे समय में किसी भी पार्टी के दिग्गज नेताओं का पार्टी को छोड़ना पार्टी की छवि को धूमिल करता है। रवनीत बिट्टू के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वहीं रवनीत बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी से ज़्यादा उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो एक सांसद तो रह सकते हैं लेकिन वे एक कांग्रेसी परिवार नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनके दादा स्वर्गीय बेन सिंह पार्टी में एक बड़ा नाम थे। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके मन में कोई बात थी तो पार्टी हाईकमान से बैठकर बात करनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पहले तो कुछ लोगों के जाने का अफसोस हुआ था लेकिन इनके जाने का हमें कोई अफसोस नहीं है। रवनीत बिट्टू चुनाव हार रहे थे इसलिए वो भाग गए। अगे दी जिहड़ी सियासत आ वो बड़े तौर ते क्योंकि चोणां दा समां चल रहा है। लीस्ट बॉदर अबाउट एनीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन फैक्ट आई फील दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल, दोज हु फील दैट कभी हम भी चुनाव लुधियाना से लड़ेंगे, बिकॉज ही इज अ थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नोबडी कैन थिंक कि दैट वी विल गेट अ टिकट रिमूविंग बिट्टू जी एंड समबडी विल अदर विल कम। ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली, बेंत सिंह फैमिली। बट नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन। देर आर अ पीपल in Ludhiana, section of people, section of complaints against Bittu ji, those who all the time used to call me and they said ki Bittu is not picking up our phone, he is not listening to us, he is not here, please, this is our work. Now, and being a sitting a member of parliament, I am helpless. But now I have had the opportunity to give that ticket to some new people. एंड तुसी आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिट्टू का जाना। जो बोल रहे हैं कि और भी जाना चाह रहे हैं बीजेपी में और भी लाइन में, सो दैट्स वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनको जाना है इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म यार, एनीबडी कैन गो, आई कांट स्टॉप एनीबडी गोइंग। मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब दे लोग माफ नहीं करदे जिहड़े लोग औखे समय, दिस इज द डिफिकल्ट टाइम। पंजाबी क्यों जाने जाता है? पंजाबी इस करके जाने जाता है, इस तरह तो सरहद ते जिहड़ा फौजी लड़ रहा होगा, इफ यू फील कि पाकिस्तान दे लोग 50 लोग आ गए तो एक सिंगल रह गया वो छड़ के अपनी बंदूक लेके छड़ के आ जाएगा, पर याद उन्हों रखा जाएगा जेड़ा एक सिंगल बंदूक दे नाल लड़दे लड़दे दम तोड़ जाएगा। एंड थानू पता है सरदार बेअंत सिंह, देखो मुझे वो पर्शियन की बात, एक पुराना पर्शियन की सेइंग है बड़ी फेमस के चेहरा नूरानी था मगर करतूत काफरानी। कदी कोई सोच नहीं सी सकता कि रवनीत सिंह बिट्टू सर बेअंत सिंह जी के महरूम के ग्रैंडसन, जिसको एक बिल्कुल छोटी सी एज में पार्टी ने पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, फिर आनंदपुर साहब से पार्लियामेंट के मेंबर की तरह नवाजा, और जब पता चला कि 5 साल ये तो किसी को मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, साहब बेअंत सिंह जी का वास्ता देकर इन्होंने फिर वहाँ गुहार लगाई और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का, ये आज से 11 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी कि चलो ठीक है, पहली दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यंग है, कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, ना तो कभी इसी ने किसी का फ़ोन उठाया ना मुलाकात की, चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे, एग्जिट दे दे,
लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा। और आप देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं हैरान हूं कि साहब बेन सिंह जी जहां भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे। रमनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना है, बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया, आपने अपने हाथ से अपना गर्दन आपने काट ली। ये पॉलिटिकली मैं समझता हूँ अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे। 100% मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ़ नहीं करते, और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनको मिल जाएगा। वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो, आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो, और आज बिना बुलाए, कम से कम अगर आप में दम होता सार बेन सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो, बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं। सुबह पता चला आप तो बीजेपी की स्टेज पर बैठे हुए हो, इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से, जिस तरह से तोड़ तोड़ के जा रहे हैं पंजाब में? देखो ये एक मिनट जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख। इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, ये तो जो इनको तामझाम मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिले हुए हैं, उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुस जाए, कहीं जेड प्लस सिक्योरिटी ना चली जाए, 3 घर इनको देकर रखे हुए हैं, एक लुधियाना में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइस रॉय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।